और अब बात करते हैं सीहोर की, जहां नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुरी नयापुरा में गौशाला स्थित है, परंतु पंचायत के जिम्मेदारों का गौशाला की ओर जरा भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते गौवंश की यहां मौतें हो रही हैं। गौवंश के सबों को आवारा कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत कुरी नयापुरा में मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत सन 2019-20 में बनी गौशाला का है, जिसकी लागत करीब 27 लाख आई थी। वहीं ग्राम पंचायत कुरी नयापुरा में गौशाला निर्माण एजेंसी थी, लेकिन आज इस गौशाला के हाल बेहाल है। बात की जाए जिम्मेदारों की, तो अनदेखी के चलते गौशाला भगवान भरोसे चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव ओम प्रकाश कुशवाहा गौशाला का निरीक्षण करने नहीं आते, जिसके चलते गौशाला के कर्मचारी मनमाने तरीके से गौशाला संचालित कर रहे हैं और गोवंश भूख के कारण दम तोड़ रही हैं। मृत गायों के शव को गौशाला के पास ही फेंका जा रहा है, जिसे आवारा कुत्ते नोच खा रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए और गौवंश के शवों को दफनाया जाता है, लेकिन इस गौशाला में नियम कायदों को ताक पे रखते हुए गौशाला का संचालन किया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि मालवी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ये बात उनके संज्ञान में आई है, वो जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों से कहकर गौशाला की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएंगे। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वर की रिपोर्ट। लगभग उनको भी डेढ़ या दो साल बाद फोन में आया, सड़क पर गाय गौ माता घूम रही, और आज जिस एक गौशाला जो नया पुराना उसका हम जब देखने गए तो दयनीय स्थिति है। गायें मर रही हैं बाहर, गौशाला के बाहर वो फेंक रहे हैं और जंगली जीव उन्हें खिला रहे, जबकि देखा जाए तो शासन के नियमानुसार उनको दफनाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं गौशालाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहाँ पर? नयापुरा जी, नयापुरा में। आज ही हम इस विषय में आपने बताया, हम देखेंगे और जो आप उसमें जो कमियां हैं उसको दूर भी करेंगे। गौ माता की पूरी चिंता और जो जो संचालित हैं गौशाला वो ठीक ढंग से चले, इसके लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों से। अभी साल भर या छह महीने में कितने पैसे कमा लिए होंगे? चौहान साहब, हम तो देखा शाम सरकारी आना जैसे तुम मेटाडोर में चेक टाइम ला बिना छोड़ के जा, जैसे दो गैया लाया 1200 रुपए ले लिया उन्होंने। अच्छा, बस कहीं चार लाया तो उनसे ले लिया फिर ऐसा पैसा लिया। अभी परसों ने तो भी नहीं आया था, छह रोजे का उन्हें कितना छः के सात हजार का 3000 रुपये लिया हमारे सामने, रसीद वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। किसने लिया ये पैसे? जी चौकीदार ली दोनों, ये ढोर चरा। क्या नाम उनके दोई के? एक का नाम तो सुंदर लाल है और एक का नाम बिरेल लाल है, उनका बाप उनका नाम। अच्छा, एक गाय कितना बेच देता होगा ये? चौहान साहब सालान पे तो जितना आ जाए कहेंगे 2000 में कहेंगे, 2500 में भी कहेंगे, 1500 में भी, मतलब ऐसी गाय भी बेच रहा है। अच्छा, जैसे देखा जाए कि ये गाय तो फिर बेच रहा है, जो यहाँ छोड़ने आया उनसे कितना पैसा ले रही? उनसे 600 रुपये ले रहा है। 600 रुपये ले रहा है जी, तो हमने आँख से देखा। और 600 रुपये देते हैं? नहीं, रसीद नहीं देते हमने कही। हम अब गाँव के ढोर हम लाते नहीं सर, क्योंकि हमारे गांव के ढोर आओ लो, तो जब तुम पर गांव के ले रहे तो गांव से भी कोई 600 रुपये लेंगे। और रसीद नहीं देते? रसीद नहीं देते। इकट्ठा तो होगा कोई? नहीं दे रहा साहब। नहीं, इकट्ठा तो होगा ना? अब हो क्या पता, अपन तुम्हारा जामा भी अपना बतला भी।